संसद यानी हमारी संवैधानिक आस्थाओं का सबसे बड़ा प्रतीक, संसद यानी हमारी जमहूरियत का सबसे बड़ा मरकज, वो संसद जहां से हिंदुस्तान का सबसे बड़ा लोकतंत्र चलता है। क्या यह संसद केवल राज्यसभा और लोकसभा है? क्या यह संसद केवल उच्च सदन और निम्न सदन है? इस संसद में किस तरीके से काम होता है और संसद कैसे इस देश को चलाती है, आइए जानते हैं एक मुद्दा 10 बातें में। भारतीय लोकतंत्र में संसद जनता की सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था है। नई दिल्ली स्थित संसद का संचालन संसद भवन में होता है। वर्तमान संसद भवन का उद्घाटन 1927 में लॉर्ड इरविन ने किया था। 17 अप्रैल 1952 तक देश में अस्थायी संसद रही। स्वतंत्र भारत में पहली बार लोकतांत्रिक तरीके से संसद का गठन 1952 में हुआ। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलाकर भारतीय संसद का गठन होता है। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु होना जरूरी है, जबकि राज्यसभा के लिए आयु सीमा 30 वर्ष है। लोकसभा के लिए सांसदों का चुनाव जनता सीधे मतदान के जरिए करती है, जिनकी वर्तमान में संख्या 543 है। 2 एंग्लो इंडियन सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इन्हें मिलाकर लोकसभा में सांसदों की कुल संख्या 545 होती है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है। लोकसभा सदन के 2 सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनती है। सदन का नेता बहुमत वाले दल से होता है, जो कि प्रधानमंत्री भी हो सकता है। नेता प्रतिपक्ष सदन में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी से होता है, लेकिन इसके लिए विपक्षी पार्टी के पास कुल सदस्यों की 10% संख्या होना आवश्यक है। राज्यसभा के सांसद परोक्ष मतदान के जरिए चुने जाते हैं। इनकी फिलहाल संख्या 245 है, लेकिन संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार इनकी संख्या 250 से अधिक नहीं होती है। सदन के 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, जो कि साहित्य, कला, सिनेमा, खेल आदि क्षेत्रों से होते हैं। राज्यसभा संसद का उच्च और स्थायी सदन कहलाता है। सदस्यों का चुनाव 6 वर्ष के लिए किया जाता है। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा में भी बहुमत दल और प्रतिपक्ष के नेता होते हैं। राष्ट्रपति के पास संसद के दोनों में से किसी भी सदन को बुलाने या स्थगित करने अथवा लोकसभा को भंग करने की शक्ति है। राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को बैठक के लिए आमंत्रित करते हैं। अधिवेशन की अंतिम तिथि के बाद राष्ट्रपति को 6 माह के भीतर आगामी अधिवेशन के लिए सदनों को बैठक के लिए आमंत्रित करना होता है। यद्यपि सदनों को बैठक के लिए आमंत्रित करने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, लेकिन व्यवहार में इस आशय के प्रस्ताव की पहल सरकार द्वारा ही की जाती है। किसी ऐसे व्यक्ति को भी प्रधानमंत्री या मंत्री बनाया जा सकता है जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य ना हो, हालांकि उसे 6 माह के भीतर लोकसभा अर्थात राज्यसभा का सदस्य बनना जरूरी होता है, अन्यथा उसे पद छोड़ना पड़ सकता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। सामान्यतः हर साल संसद के 3 सत्र या अधिवेशन होते हैं। बजट सत्र की अवधि फरवरी से मई तक है, जबकि मानसून सत्र जुलाई अगस्त में आहूत किया जाता है। शीतकालीन सत्र नवंबर दिसंबर में आयोजित होता है। संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का प्रावधान संविधान में है, जिसे अनुच्छेद 108 के नाम से जाना जाता है। इस प्रावधान के तहत लोकसभा से पारित किसी कानून या विधेयक को राज्यसभा की मंजूरी न मिलने की स्थिति में संयुक्त बैठक के जरिए उसे पारित कराया जा सकता है। भारत के संसदीय इतिहास में अब तक 3 बार संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय आमतौर पर शून्यकाल अथवा 0 आवर के नाम से जाना जाने लगा है। लोकसभा में शून्यकाल 12 बजे प्रारंभ होने के कारण इस नाम से इसे जाना जाता है, लेकिन राज्यसभा में अब शून्यकाल का प्रारंभ सदन की बैठक 11 बजे शुरू होने के साथ ही हो जाता है। सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए यह फैसला लिया गया। स्थगन प्रस्ताव के द्वारा लोकसभा के नियमित कामकाज को रोककर तत्काल महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा कराई जा सकती है। ध्यानाकर्षण के माध्यम से भी सदस्य सरकार का ध्यान तत्काल महत्व के मामले की ओर दिला सकते हैं। मंत्री को उस मामले में बयान देना होता है। ध्यानाकर्षण करने वाले प्रत्येक सदस्य को एक प्रश्न पूछने का अधिकार होता है। लोकसभा द्वारा मंत्रिपरिषद में अविश्वास व्यक्त करते ही सरकार को संवैधानिक रूप से पद छोड़ना होता है। नियमों में इस आशय का एक प्रस्ताव पेश करने का उपबंध है, जिसे अविश्वास प्रस्ताव कहा जाता है। राज्यसभा को अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। निंदा प्रस्ताव कतिपय नीतियों और कार्यों के लिए सरकार की निंदा करने के इरादे से पेश किया जाता है।
वर्ष 2012 में यूपीए सरकार द्वारा सदन को दी गई जानकारी के अनुसार संसद की प्रति मिनट कार्यवाही पर 2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं, संसद की एक घंटे की कार्यवाही पर 1.5 करोड़ रुपए और पूरे दिन के काम पर करीब 9 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। एक जानकारी के मुताबिक 16वीं लोकसभा के 5वें सत्र में 119 घंटे बर्बाद हुए, यानी देश को 178 करोड़ 50 लाख का नुकसान हुआ। संसद के बारे में औपचारिक जानकारी और तथ्यों से परे, संसद दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है और इस लोकतंत्र को संसद जिंदा रखती है। इसको जिंदा रखने के लिए, इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए ये जरूरी है कि इसकी पवित्रता भी बनी रहे।